ये है मेरी मम्मी। मम्मी हाय बोल दो। हाय सभी को, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आज हम जा रहे हैं हरिद्वार और आपको भी ले चलते हैं हरिद्वार में घुमाने के लिए। चलिए। चलो तो भाई, नमस्कार सभी को। हर गंगे, और आज हम लोग जा रहे हैं गंगा जी के डुबकी लगाने हरिद्वार विद फैमिली। और हमारे पायलट साहब हैं भारद्वाज साहब। और कहाँ की जो है हरिद्वार की या ऋषिकेश वहाँ की कैसी यात्रा रहेंगी इस क्षेत्र की, उसके बारे में हम आपसे विस्तार से शेयर करेंगे, विस्तार पूर्वक बताएंगे। नमस्कार, ये हमारे चौधरी साहब हैं। नमस्कार, बड़े वाले चौधरी साहब हैं और ये इनके प्रोडक्शन मैनेजर हैं। इनके ये जो है इन्हें तो जानते ही अब। ठीक है, राम राम। तो भाई अब पहुँच गए हम मेरठ सेवा होटल। सेवा होटल बहुत है मुरादाबाद वाले रूट पे भी और इस पे भी, हरिद्वार वाले पे लिखा ना सेवा होटल। हाँ। भाई इधर यहाँ पे हम लोग टी ब्रेक के लिए रुके हैं। है भाई हाईवे, और यहाँ पे कितने सुंदर सुंदर फूल लगे हुए हैं। आज ऐसे लग रहा है रोड को देख के कि जैसे पूरी दिल्ली सब हरिद्वार पे हमला कर रही है, लाइन लगी हुई है क्योंकि वीकेंड चल रहा है ना। तो भाई कुल्हड़ की चाय भी मिल रही है यहाँ पे, बहुत बढ़िया वाली। मंगल हो रहा है, ये भुआ है एक गांव की, चाय पी रही है बैठ के, सहकारे उड़ रहे हैं। सर कुछ कहना चाहोगे यहाँ के मौसम के बारे में? बहुत ही ज्यादा गर्मी हो रही है, मतलब गर्मी बहुत हो रही है। अभी टाइम हो रहा है 10 तो बज गए होंगे, 10 बजे ही देखो आप कितनी भयंकर गर्मी है यहाँ पर, मतलब बता नहीं सकते आप। पर यह है कि ग्रीनरी इतनी शानदार है भाई यहाँ पर, गर्मी ना सीरी सीरी प्यार लग रही है। सीरी सीरी मतलब ठंडी ठंडी। मोहन टेढ़ा करते रहिए जब मेरे को स्पैरो इधर। माँ चंडी देवी मंदिर हरिद्वार। तो भाई ये है यहाँ से, ये गोल चक्कर है और इधर से हम गोल गोल ऐसे घूमते हैं। और ये आगे अभी मैं पुल दिखाता हूँ। तो भाई ये है पुल गंगा जी का, और इसको जब पार करते हैं तो फिर सामने जो पहाड़ है उसके ऊपर चंडी देवी माता। तो दोस्तों अभी हम यहाँ पर आ चुके हैं हरिद्वार, और यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ी नदी, मतलब है नहीं नदी में पानी अभी। और अभी हम जा रहे हैं यहाँ से चंडी देवी, यहाँ से चंडी देवी के दर्शन करेंगे, वो आपको दिख रहे होंगे, और लेके चलते हैं हम आपको। तो भाई चंडी देवी की यात्रा के लिए यहाँ पर जो है ना, ये है 220 रुपए की यात्रा है टिकट, और कंबाइंड है 349 की। इस तरीके से हमने 4 टिकट लिए हैं 880 रुपए के। इस तरह से यहाँ पे भीड़ देखी। तो भाई आप जो कोई भी चंडी देवी आ रहे हैं तो बहुत ही मतलब गजब भीड़ है, और हम लोगों को 821 नंबर जो है वेटिंग नंबर मिला है यहाँ पर, जो अभी 761 ऐसे कुछ नंबर चल रहे हैं। तो ये हाल है भाई चंडी देवी का, इतनी ज़्यादा भीड़ है। पहले उधर से वहाँ से टिकट ली जाती है ये, उसके बाद ये लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये वेटिंग का नंबर देते हैं। और इतनी ज़्यादा यहाँ पे रश है कि पैर रखने की यहाँ पर जगह नहीं है बिल्कुल भी। ये है कहानी, लेने के बाद यहाँ से वेटिंग स्लिप लेना बहुत जरूरी होता है, उसके बाद ही फिर इसमें एंट्री मिलती है। आ गए भाई प्रवेश द्वार। अच्छा दिख गया, ये इधर दिख रहा है, ये यहाँ से एंट्री हो रही है भाई चंडी देवी के जो दर्शन के लिए। और यहाँ पर जो है प्रसाद का भरमार भंडार है, ये ऐसे गोल गोल घूमते हुए
ट्रॉली तक पहुंचना हमने, और ये ट्रॉली पे भी आगे लोग वेटिंग में खड़े हुए हैं। और ये भाई एक कैबिन में चार व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति में चार, बैठना नहीं आ रहा है, सहयोग करें, ये इसके रूल एंड रेगुलेशन है। तो यहाँ पर टांग के चला गया कोई भक्त, देखो। तो भाई एक और साइन बोर्ड लगा हुआ है ये। तो भाई ट्रॉली की लाइन में जो है हॉल है, और वो हॉल ऐसा कुछ दिखता है, और ये गोल गोल यहाँ पे लाइन बनाई हुई है, जो ओवर क्राउडेड रहती होगी इनमें जो है घुमाते रहते होंगे। नीचे से तो इस तरह से दिख रही है ये, इस तरह से। अब इसमें ऊपर बैठ के दिखाएंगे आपको शुद्ध घी से निर्मित पेड़ा, ये मशीन के पास में यहाँ पर पेड़ा भी मिलता है। तो सब ने अपने अपने जो है बिजनेस फिक्स कर रखे हैं। तो भाई पूरी दुकानदारी का यहाँ पे ख्याल रखा हुआ है। प्रसाद भी यहाँ पे माता की पूजा के सबके ये भाई आगे और सीढ़ियाँ हैं अभी। ये पूरे रूल एंड रेगुलेशन यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो भाई ये आ गया है अपना टॉप फ्लोर, यहाँ से हम लोगों को उड़न खटोला मिलेगा। ये उड़न खटोला का अरेंजमेंट है, इधर से ट्रॉली आ रही है और इधर से रवाना हो रही है। ट्रॉली है, और इसमें सबसे खास बात यह है कि केसरी तेलम दमदार असरदार ने गजब कर रखा, बड़ी तगड़ी एडवर्टाइजिंग है, और ट्रॉली के ऊपर लिखा हुआ है। अरे भाई हिल रही है खूब बढ़िया मस्त मजे से, और उड़न खटोला चल दिया है भाई। जय हो माता की, जय हो खटोला। और हमारा उड़न खटोला जो एक तरह से जो वो क्या बोलता है टेक ऑफ कर रहा है। फोन वो करी वैसे? ये इस तरीके से हमारी जो है ऊंचाई बढ़ती जा रही है। तो भाई ये है, तो ये है भाई उड़न खटोला चंडी देवी का, और ये पड़ोसी निकल रहे हैं हमारे यहाँ से। ये है जी गंगा जी दिख रही है यहाँ से, ऐसा लग रहा है कि जैसे रुक रही हो पर चल रही है, धनाधन चल रही है भाई। ये हाल है कैसे बनाया है, फिर फोन को पीछे रख लेना थोड़ा, मतलब गिर ना जाए फोन। दिस इज उड़न खटोला ऑफ चंडी देवी, अमेजिंग एक्सपीरियंस है भाई। ये देखो वाओ, अब इस पे लोड पड़ रहा है ना इसलिए स्लो चल रही होगी ना। डरो मत, जय माता के नाम लो, जय माता दी, जय माता दी, जय हो। और बबीता जी अपना एक्सपीरियंस बताइए कुछ, अभी कैसे महसूस कर रहे हो गगन सर? माता याद आ रही है। हाउ इज द एक्सपीरियंस ऑफ दिस उड़न खटोला? नाइस एक्सपीरियंस, पर पता नहीं इतने दुख 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 हो रहे हैं, लुप लुप हो रही भाई, किसी को दुख दुख हो रही है, किसको लुप लुप हो रही है, अब इसका मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा। दुख लुप क्या और केसरी मलमवार, अच्छा कानों में हवा भर रही है यहाँ पे जैसे जहाज में उड़ते हैं। पर एक चीज है, केसरी मरहम, ये मरहम कहाँ पे लगाई जाती है पता नहीं, पर किसी के लुप लुप गुप गुप हो रहा है तो शायद उसमें काम। ले भाई और हो, क्या बात है, क्या शानदार है, गजब 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 गजब। नहीं हिल नहीं रहे,
धीरे से चलती है ना बेटा, जी हैप्पी। ये दुनिया जा रही है, रुकी नहीं है, तेज थोड़ी चलेगी यहाँ पे, ये सब और रुक गई। अरे नहीं रुक रही है, आगे ले, देख चल तो रही है, देख कितनी आगे है, क्यों? ये हाइट है इसकी, क्यों जा रहा है? आगे आगे पहुंच गई, पहुंच गई भगवान। दिस इज चंडी देवी एक्सपीरियंस। बोल सिद्ध बाबा की, बजरंगबली की, चंडी देवी की। हिलो मत ना। अरे भाई कोई कोई दिक्कत नहीं है, ऑल इज वेल। इसका कोई कनेक्टिविटी ऐसी होगी ना, ये चार्ज होता होगा एक बार, ये चार्ज नहीं होता होगा भाई, इसमें होता है भाई। हमें अब वहाँ दर्शन करने पहुंचना है, जय माता दी। कांच होता है तो फिर तो वहाँ होते हैं, कांच होता है तो कांच जैसी चीज तुम्हारी कहीं कोई दिखाई जैसे। ये सब इकट्ठी चलते हैं, ये सब धीरे चल रही है, इसका जो है ना राउंड है। हाँ वहाँ पे जब जब उनको बिठाते हैं तो ये राउंड चल रहा है ना, नीचे देखिए, जब इनको बिठाते हैं। क्यों है ये? अरे भैया राउंड जब चलता है तो जब चलते है, ये भी समस्या नहीं है, हाँ। अजीब सा लग रहा है, तू तो फौजी आदमी है पापा, पर ये तो गलत है ना। अरे भाई ये राउंड चलता है, देखो वहाँ से आ भी नहीं रही ना, रुक गई। ये सब राउंड पे चलते हैं, ये आ रही है, ये सब राउंड पे आती है। अरे अरे भाई ये सब राउंड पे आते, तू इंजीनियर बंदा हो क्या ऐसी बात कर रहा है? ये राउंड चल रहा है ना इसका, वहाँ जब बिठाते हैं तो रुक जाती है, थूक से डर तो नहीं है। देखो आगे, वो आगे, ये देखो भाई वो आगे, भगवान माता रानी ने बुलाया हमें। तो भाई ये चंडी सर थोड़े से जो है डरे से हो रहे हैं, पता नहीं क्यों हो रहे हैं। अब हम चंडी देवी के दरबार में पहुंच गए हैं। माँ पहुंच गए जी, माँ चंडी देवी और माँ अंजनी देवी। देखते हैं यहाँ पे भाई जो है वानर राज बहुत है, टेंपल दिस वे, इधर एग्जिट है और टेंपल यहाँ से है उसकी जहाज में, जहाज में नहीं बैठा, जहाज नहीं होता, जहाज टेंपल बना हुआ है, अब चल रही है चढ़ाई। और भाई थोड़ी सीढ़ियाँ चढ़े हैं तो सांस से चल रही है। और ये यहाँ पे मंदिर का एक मार्केट है, यहाँ से प्रसाद वगैरह ले सकते हैं और सीज वगैरह रिमूव कर सकते हैं, लस्सी पी सकते हैं। ये भाई इस तरह से यहाँ की मार्केट दिखती है। और ये देखो ये जय माता वाले, इनके पास आके लिया करना प्रसाद, इनकी शक्ल देख लो पहचान लो। सबने सबसे अच्छी बात है कि सबने निःशुल्क जूता स्टॉल लगा रखा है, कितनी अच्छी। हाँ वापस यहीं से आना, ये देखो वेरी गुड वेरी शाबाश। तो ये कहानी ये है, वापसी है, जय श्री राम दादा बाबूजी, जय हो जय हो, जय हो जय हो। अपना नाम बताओ यार, तुम बड़े गजब बंदे हो। सूरज सिंह है, सूरज सिंह भाई वाह, सूरज सिंह जो है चमका दिया सूरज को, तुम्हारी सेवा करते हैं वापसी में, ठीक है। प्रसाद और साथ यहाँ से माता का मंदिर शुरू हो रहा है। करते करते कैमरा कूद गो पर बच गो, क्योंकि माता ने बचा दिया, माता हमारी बहुत बढ़िया है, पानी पीने की बहुत सुविधा है यहाँ पे। ये है, ये अपनी अपनी कोई मान्यता होती है ना, तो लोग यहाँ पर ये बांध के जाते हैं, दान देकर पुण्य के भागी बने और दान की रसीद अवश्य प्राप्त करें। ये है भाई चंडी देवी में भीड़ भाड़, यहाँ पे थोड़ी कम लग रही है, पर नीचे काफी ज्यादा वेटिंग थी यहाँ पर यहाँ पर खुला हुआ है। ये सारे यहाँ पे इस तरह की केव टाइप ये बना रखे हैं, जिससे कि लोगों को
दिक्कत ना हो। माँ चंडी देवी इंद्र परमार ट्रस्ट, ये है भाई, ये है जी नवरात्रि मंगलवार। देखो भाई इतनी ऊंचाई है यहाँ से। हाँ, ये देखो जय हो माँ चंडी देवी। ये भाई चंडी देवी माता की जय। बहुत शानदार दर्शन हुए। ये भाई अब नीचे का रास्ता उतर, दान देकर पुण्य के भागी बने। दान की रसीद अब प्राप्त करते हैं, अन्नदान के लिए, गौशाला के लिए, भंडारे के लिए। ये है भाई, फोटो खींचना सख्त मना बता रहे हैं भाई। दर्शन हो रहे हैं जी, बहुत शानदार। घर द्वार में भीड़ भयंकर वाली है, पर यहाँ पे चंडी देवी मंदिर पे काफी अच्छा कुछ दर्शन हो रहे हैं भक्तों को। लगवा ठीक है, देखो ये चंडी देवी की एक तरह से परिक्रमा है यहाँ पे। जय हो। यहाँ से भाई ये मार्केट शुरू हो जाती है, यहाँ पे प्रसाद हो गया, कंठी माला हो गया, बहुत सारी चीजें सब मिल। मार्केट यहाँ पे बहुत ही सुंदर बनी हुई है। यहाँ पे कोई भी कड़े किसी भी तरह की कोई भी है, आपको पूजा सामग्री लेनी है सब मिलती है यहाँ पे। ले लो आया मार्केट भाई, लाजवाब है एकदम चंडी देवी मंदिर के। यहाँ पे नाश्ता पानी वगैरह भी कर सकते हो। अच्छा सोमवार को भाई यहाँ से दिख रहा है विहंगम दृश्य। ये भाई यहाँ से विहंगम दृश्य। पूरी लंबी चौड़ी मार्केट है भाई। अरे इधर पर जो है यात्रा का राउंड जो है कंप्लीट हो जाता है। है ना, जय हनुमान अंजनी, हनुमान जी माता अंजनी, माता अंजनी की तपी तपोभूमि आने वाली है। चलो जी, तो अभी हमारी यहाँ पे जो है यात्रा जो है लगभग संपूर्ण हो गई है। उड़न खटोला पे दोबारा से जाने के लिए हम तैयार हैं भाई। और यहाँ अभी भी जो है थोड़ा भीड़ भाड़ जैसा प्रोग्राम दिख रहा है, वेटिंग चल रही है। तो वापसी में भी भाई वेटिंग है गजब। नेक्स्ट वेटिंग है 142। आने का था वैसे जो है जाने का वेटिंग नंबर यहाँ पे 142। भाई ये भी है वापसी, है ना, वापसी में भी दुकानें चारों तरफ से घेर रखी है ना। गोल गोल घूमो, पहले इस लाइन में जाओ फिर इस लाइन में आओ, घूमते रहो घूमते रहो। ये है, ये इधर देखना तू, तू पहाड़ पे किस कर रहा है इधर। हाँ देखना है भाई, इधर देखूंगा। हाँ बात बनाई भैया, तू खाली क्यों डोल रहा, तू भूल गो क्या है कुछ। अरे खाली आ रहा है
पे हिलो मत ना। अरे मत हिलो ना। हिलन क्या होता है? हिलन कुछ नहीं होता भाई। हवा में लटक क्या क्या हो रहा है। तो भाई ये वापसी है हमारी माँ चंडी देवी से। भगवान है। आइसक्रीम खाए हैं एनर्जी के लिए थोड़ा। और हमारे सर और इन सरों की माता बैठी है, उनकी खाए चली आइसक्रीम। डर का आगे जीता है, डर का आगे जीता है। मैं स्नैप भी नहीं बन रही है। अबे हिलो मत। अपने दोस्तों के साथ आया मतलब कैसे रहता? वो तो मेरे को बहुत अच्छा भाई। देखो ये दोस्त को वीडियो भेज आई। इस तरीके से हम जो है डाउन डाउन जा रहे हैं। हाँ इंजीनियर ही है ना। हाथ छोड़ देना, हाथ तो भैया काफी कुछ हम जो है नीचे पहुंचते जा रहे हैं। स्पीड बढ़ रही है। तो भाई ये चंडी देवी माता की यात्रा कंप्लीट हो गई है। हम लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं। आपको आगे की जानकारी अगले वीडियो में देते हैं। यहाँ पे एक बहुत सुंदर सी घंटी घंटा लगा रखा है। पर्पज इसका क्या है हमको नहीं मालूम। यहाँ पर है नमो नमो शंकर भोलेनाथ शंकर लोकनाथ शंभु शिवाय शंकर। बड़े धक्के खाकर इसी केस में यहाँ तक पहुँचे हैं। इतनी भीड़ इतना रस है, ऐसा लग रहा है कि पूरी दिल्ली पूरा पंजाब पूरा हरियाणा पूरा नॉर्थ इंडिया जो है यहीं पर इसी केस और हरिद्वार पे इन्होंने हमला कर दिया हो। तो अब हम जा रहे हैं त्रिवेणी घाट पे और त्रिवेणी घाट पर करेंगे स्नान। फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं अब त्रिवेणी घाट पर और यहाँ पर जो है गंगे नवामी का जो प्रोग्राम है उसके अंतर्गत जो सौंदर्यीकरण का जो कार्य है घाटों का वो बहुत ही शानदार चल रहा है। तो देखिए कितना सुंदर यहाँ पे भोले बाबा की मूर्ति के साथ में द्वार बनाया है। ये इतने बढ़िया से यहाँ पे टाइल लगाई जा रही हैं। यहाँ का रूप एकदम से बिल्कुल बदल गया हुआ है। ये देखो सामने गंगा माता जो है पतित पावनी माता जो सारे पापों को हर लेती हैं। गंगा मैया के दर्शन हो रहे हैं और ये बहुत ही शानदार यहाँ पर सैड बनाया और गंगा माता का ये मंदिर बनाया हुआ है और श्री कृष्ण महाराज अर्जुन को यहाँ पर दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? संदेश ज्ञान दे रहे हैं क्योंकि अर्जुन ने मना कर दिया था कि भाई मैं युद्ध नहीं करूँगा क्योंकि युद्ध में जो है सारे मेरे जो परिवार के लोग हैं कोई भाई है कोई मामा है कोई चाचा है कोई ताऊ है। तो उन्होंने फिर जो इसका उपदेश दिया था, उन्होंने गीता का ज्ञान दिया था। G20 शिखर सम्मेलन की प्रस्तावित आरती के कारण निर्माण कार्य प्रगति पर है। विभाग द्वारा छोटी जलधारा स्थायी रूप से बंद कर दी गई, सुधार लिए खेद है। अभी G20 का यहाँ पर सम्मेलन होने वाला है। तो ये है भाई इस तरीके से यहाँ पे त्रिवेणी घाट है और यहाँ पर जो स्नान है वो थोड़ा सा आगे की साइड में है। ये है यहाँ पे बहुत ही सुंदर सैड बना दिया हुआ है। धूप में बारिश में जो श्रद्धालु हैं वो आराम से यहाँ पर बैठ सकते हैं। और ये कोई पंडित जी हैं, उनका नाम के बारे में भी मेरे को पता नहीं है।
कुछ मालूम होता है तो बताएंगे जरूर। और सामने भोले बाबा और गंगा मैया हैं। ये है भाई, बहुत ही सुंदर, बहुत ही शानदार त्रिवेणी घाट। हर हर गंगे। बहुत ही सुंदर त्रिवेणी घाट है और नमामि गंगे का जो प्रोजेक्ट है वो देखिए सामने नमामि गंगे लिखा हुआ है, उसके अंतर्गत पूरी यमुना की सफाई की जा रही है गंगोत्री से लेकर के और अपना कलकत्ता तक। और ये घाटों का बहुत सुंदर निर्माण हो रहा है, ये देखो। और आपको त्रिवेणी घाट ये कैसा लगा, गंगा मैया के कैसे दर्शन लगे, एक बार मैसेज आपने ज़रूर करके मेरे को बताना है, क्योंकि गंगा मैया हमारी जो पापों को हरती हैं और नमामि गंगे योजना के अंतर्गत जो इसका सौंदर्यकरण है वो चल रहा है। मोदी जी ग्रेट, धामी जी ग्रेट, योगी जी का तो कहने ही क्या है। तो भाई ये है अभी यहाँ तक जो ये घाट बना हुआ है एक कोना, इस पर जो है स्नान का कार्य चल रहा है। ये देखो ये कितना शानदार यहाँ पे नज़ारा है, सामने पहाड़ है। ये देखो अभी दोपहर के बजे हैं, लगभग 1:30 बज रहे हैं, गर्मी बहुत ज़बरदस्त है, पर जैसे गंगा मैया का यहाँ पे ठंडक प्राप्त होगी तो सब गर्मी वर्मी सब भाग जाएगी। ये है भाई, यहाँ पे आने के साथ ही हवा इतनी ठंडी हो गई है, बहुत ही शानदार है। तो भाई हर हर गंगे। और हर हर गंगे ये है भाई त्रिवेणी घाट हम लोग, और यहाँ पे स्नान चल रहा है बहुत तगड़े, निर्माण कार्य चल रहा है त्रिवेणी घाट पर, इसीलिए हम जो नहा रहे हैं। आज बहुत अच्छा बन रहा है और ये देखिए यहाँ पे एक पुल बना हुआ है और इस पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है, बच्चों की छुट्टियाँ चल रही है तो इसलिए काफ़ी भीड़ है। बहुत ठंडा पानी है, अच्छा लग रहा है पानी का। टिक्की लगाई जा रही है, और यहाँ पे सुंदर पहाड़ है, डुबकी लगाओ डुबकी गगन का। लेकिन नहाना लौट लौट के नहाया जा रहा है, ठंडा ठंडा पानी है, मज़ा आ रहा है नहाने के अंदर। और बहुत ज़्यादा गर्मी है हरिद्वार में और हम आए हैं ऋषिकेश में त्रिवेणी घाट पर, क्योंकि हरिद्वार में बहुत भीड़ थी, जाम लगा हुआ था बहुत ज़्यादा, हम इसीलिए त्रिवेणी घाट पर आगे नहाने गए। तो यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है नहाने के अंदर, आप भी घूमने आ सकते हो, पर अभी नहीं, अभी बहुत ज़्यादा भीड़ है, हम भी आए हुए हैं तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो रखी है यहाँ पर। तो अपना जो भी है प्लान बनाकर आए अच्छे से, मैं इसी वीडियो में आपको बता रही हूँ। गोयल साहब के छत का नजारा है भाई ये हमारे, जो मेरे को बड़ा आनंद रहता है जी, धूप में ही बैठ जाते हैं लोग, बच्चे बच्चे सब। ये है जी गोयल साहब की छत, यहीं से दर्शन कर रहा हूँ पूरे पहाड़ के, वो है नीलकंठ के सामने। नीलकंठ जी दिख जाते हैं ऐसे? नहीं बस वो, हाँ मतलब भाई ये जाम है जी हरिद्वार, इसी जैसे हरिद्वार आते हैं और जाम मतलब फुल बटे फुल जाम है, जाम ही जाम है, काम बहुत एक घंटा हो गए खड़े खड़े, जाम बिल्कुल भी मतलब हिल नहीं रहे जरा से भी। बहुत शानदार वीडियो के थ्रू हम आपको जो है
दर्शन कराने वाले हैं, विजिट कराने वाले हैं शांति कुंज। और ये शांति कुंज का गेट नंबर 3 है। और शांति कुंज में एंट्री करने के लिए पहले एक आईडी के थ्रू ऐसे पास बनता है, फिर एंट्री होती है। और यहाँ से अब हम एंटर कर गए हैं इसमें। एक्यूप्रेशर पथ है ये है जी। देवात्मा हिमालय मंदिर है सबसे पहले यहाँ पर। ये हिमालय का मंदिर बना हुआ है। और है जी पुष्प की अभिलाषा। अनुदान काउंटर है, यहाँ पे कोई अनुदान करना हो तो यहाँ पे अनुदान करके रसीद ले सकते हैं। देव संस्कृति दिग्दर्शन देवात्मा हिमालय मंदिर है। इसके अंदर जो है पूरा हिमालय के बारे में यहाँ पे दिखाया हुआ है। हमें केदारनाथ बद्रीनाथ यमुनोत्री गंगोत्री का जो हिमालय पर्वत है वो पूरा इसमें दर्शाया गया है। वहाँ बैठ के जो है 2-4 मिनट शांत करते हैं। ये देखो कितनी अच्छी बात लिखी हुई है, हमें अपनी जो है ना इन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। और ये जो है पंडित श्री राम शर्मा जी द्वारा जो रचित पुस्तकें हैं या उनके कार्य हैं उनको दर्शाया गया है। हाँ जी हाँ जी। इनका जो बड़ी बड़ी जो एग्जीबिशन है उनमें जो है लगता रहता है। संजीवनी बूटी एक नहीं अनेक है। पावर नहीं, ये वन औषधि है ना। ये औषधि हाँ। हरितमा सेवालय ये यहाँ पे जो वनस्पति हैं उनके बारे में जो है जानकारी दे रखी है। इनका कॉलेज भी है यहाँ पर ना, देव संस्कृति विश्वविद्यालय। यहाँ पर पूरी वनस्पति इत्यादि का बहुत ही वो है। और यहाँ पर ये जो है पंचवटी है, बरगद है। यहाँ पे खाना खा सकते हैं, सभी बैठ के खाना चलता रहता है। इसके बाद खिचड़ी बनेगी तो यहाँ पे भोजन के लिए इधर से प्लेटें लेके खुद किचन में जाते हैं वहाँ पर। और फिर भोजन कर सकते हैं। भोजनालय है सुबह 8:30 से 2 बजे और शाम को 4:30 से 8:30 तक ये जो है भोजन होता है फिर भोजनालय। और भोजन करने के बाद जो बर्तन होते हैं उनको खुद ही साफ करना होता है। इस तरीके से साफ करके अपने बर्तनों को रखते हैं यहाँ पर। और ये है भाई कैंटीन, यहाँ पर कैंटीन भी है बहुत सुंदर सी। कैंटीन में से भी अपने खाने पीने की चीज़ें ले सकते हैं। देखो क्या शानदार बात लिखी है, अदालत और पुलिस से बच सकते हैं ईश्वर से नहीं। बात बहुत सही है भाई। यहाँ पे वनस्पति बहुत ज़्यादा लगी है। और ये जो है ये वाली घास बहुत विशेष प्रकार की दिख रही है, ये मतलब गुच्छे वाली घास है। ये है एक और बहुत बढ़िया बात है, है भाई यहाँ पे वेद माता गायत्री मंदिर। ये है भाई अनाउंसमेंट रूम।
ये है जी ऋषि चरक। ये जो हमारे ऋषि चरक थे वन औषधियों के विज्ञान पर शोध करते थे। ऋषि परंपरा। वयम राष्ट्रे जाग्राम पुरोहिता। हम पुरोहित राष्ट्र को जागृत और जीवंत बनाए रखेंगे। ये भाई गायत्री माता मंदिर, भटका हुआ देवता। ये भाई भागीरथ जी जो गंगा माता को पृथ्वी पर लाए थे। और ये हैं महर्षि वशिष्ठ। ये भाई कार्यकर्ता सप्त आंदोलन। संस्कार प्रकोष्ठ है, पुंसवन संस्कार, नामकरण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार भी होता है ना, और मुंडन शिक्षा संस्कार हो गया, जन्मोत्सव संस्कार, दीक्षा संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, विवाह संस्कार, विवाह देवोत्सव संस्कार, वानप्रस्थ संस्कार, श्राद्ध तर्पण संस्कार। ये इतनी तरह के संस्कार होते हैं भाई। यहाँ से हमारी जो संस्कृति है उसके बारे में पूरा पता चलता है। ये दुर्गा भगवान है, कोई राजस्थान जोन है, कोई दक्षिण जोन है, इस तरीके से यहाँ पे डिफरेंट जोन बांटे हैं। हैंडीक्राफ्ट, ये हाथ से बने हुए सभी कपड़े हैं यहाँ पे जो मिलते हैं, बैग हैं, कपड़े हैं। जड़ी बूटी विक्रय केंद्र, प्रज्ञा पेय जड़ी बूटी चून बटी के रूप में। विविध सामग्री, फ्लैग, साइनबोर्ड, संस्कार रेट। और ये है देव संस्कृति विश्वविद्यालय में उत्पादित कृषि गौ आधारित प्राय उत्पाद। यहाँ पे बहुत शानदार एक हॉल जैसा कुछ बना हुआ है, फाउंटेन चल रहा है यहाँ पे। ये आया जी सरस्वती भवन, सावित्री भवन। हाँ यहाँ पर बहुत बड़ा पार्क है। और जो भी भक्त यहाँ पर स्टे करते हैं तो ये रजाई गद्दा स्टोर है गीता भवन में, यहाँ से इश्यू कराते हैं 100 रुपये देकर और फिर उनका यूज करके वहाँ पर वापस कर देते हैं। ये यहाँ पर जो है बहुत बड़ा स्क्रीन लगाया हुआ है जिसमें पूरी। और भाई यहाँ पे है ये श्री रामपुरन जलपान गृह, यहाँ पे जलपान भी कर सकते हो बहुत बढ़िया से। तो भाई आज है संडे और 11 जून और हमारा आज वापसी का दिन है और सुबह के बजे हैं लगभग 10 और अभी हम जा रहे हैं हर की पौड़ी।
से जो है मनसा देवी का मंदिर में दिखाता हूँ। ये मनसा देवी का मंदिर दिख रहा है। तो ये वाले बाबा के भी अभी हम आपको दर्शन करवाते हैं। अभी हर की पौड़ी इस तरीके से दिखती है। ये देखो भाई बाहर की पौड़ी पे पूरा फूल है। वाह जी वाह। कितनी लंबी लाइन काहे की जाऊं? हाँ गाड़ियों की। हाँ एक गाड़ियों की पूरी भरमार है। तो भाई यू हाल है अभी यहाँ पे गंगा जी पे। जहाँ तक नजर जाती है वहाँ तक गाड़ी गाड़ियाँ दिखती हैं। गजब हो रहा है। गजब बहुत भीड़ है भाई। हर हर गंगे। ये है भाई सीन। अभी गंगा जी में ऐसा सीन दिख रहा है 10:30 बजे का सुबह का। पौड़ी पहुंचते हैं तो उससे पहले ये बहुत अच्छा काम किया है। ये ओवर ब्रिज बना दिया तो लोग यहाँ से आराम से सड़क पार कर लेते हैं पार्किंग से पहले। ये भाई हालत इस टाइम भीड़ की। पैर रखने की जगह नहीं है तो घाटों पे रुक जा। जय हो जय हो। आगे तो बहुत भीड़ है भाई। हाँ इधर इधर फिर भी थोड़ी कम लग रही है। ये भाई हाल है इस टाइम 11 बज रहे होंगे अभी। 11 बजे का सुबह का हाल है अभी घाटों का। ये अभी जो है ये हालत है कि यहाँ का बहुत ही ज़्यादा भीड़ है घाटों पे। रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ बेटा। Yeah.
कल भी ना ले रहे तुम। हाँ सर भी ले लो, ले खड़े उधर। देख भाई गजब, हर की पौड़ी की मार्केट की गजब भीड़ है, पैर रखने की जगह सब रगड़ रगड़। हाँ जी ये है भाई, अब हर की पौड़ी ऐसे